नमस्कार जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी उत्तराखंड के सांसदों को चुनावी जीत का मंत्र देंगे पीएम मोदी। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहेंगे मौजूद। चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने पीएम मोदी से की मुलाकात। अपने ट्विटर अकाउंट से मुलाकात की तस्वीरें की साझा। आज भारत दौरे पर आएंगी फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से करेंगी मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संपदा महानिदेशालय को दी नसीहत। बोले सड़कों और भवनों से ब्रिटिश अधिकारियों के नाम हटाने की करें तैयारी। इसरो ने चार देशों के उपग्रह लॉन्च करने के लिए किया समझौता। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले 132 मिलियन यूरो की होगी कमाई। भाजपा और निषाद पार्टी की सरकार बनाओ अधिकार पाओ रैली आज। लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे जनसभा को संबोधित। दिल्ली में आज से हड़ताल पर रहेंगे बड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी के चलते जता रहे विरोध। लखनऊ में आज जुटेंगे देश भर के विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्ष। ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े अहम मसलों पर की जाएगी चर्चा। ब्रिटेन में बीते 24 घंटे में कोरोना के आए 88,376 नए मामले। पीएम ने बूस्टर डोज बढ़ाने के दिए निर्देश। लॉकडाउन के आसार। कोरोना को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी चेतावनी। कहा इस बार की सर्दी लाएगी गंभीर बीमारी, मौत का भी खतरा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति का सुझाव। कहा कोरोना महामारी के स्थायी हल्की टीकों से हो शुरुआत। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के आए 7,447 नए मामले। इस दौरान 391 लोगों की गई जान। 7,886 लोग हुए ठीक। देश में 11 राज्यों में पहुंचा कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। अब तक 88 मामलों की हुई पुष्टि। सरकारों ने बढ़ाई सतर्कता। केरल में ओमिक्रॉन संक्रमित युवक घूम आया होटल और मॉल। ट्रेसिंग और टेस्टिंग बनी चुनौती। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। भारत के टीकाकरण प्रमाण पत्र को 113 देशों में मिली मान्यता। विदेश मंत्री जयशंकर ने राज्यसभा में लिखित जवाब में दी जानकारी। यूपी विधान परिषद में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप का बयान। कहा प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से नहीं गई किसी की जान। उत्तर भारत में शीतलहर की दस्तक के बाद लुढ़का पारा। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बड़ी ठंड। दिल्ली NCR में सर्द हवाओं ने बढ़ाया सर्दी का सितम। अगले 2 से 3 दिन में 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है पारा। RSS नेता इंदेश कुमार ने राहुल गांधी पर जमकर बोला हमला। का हिंदू और हिंदुत्व को लेकर उनका ज्ञान बहुत कमजोर। सार्वजनिक भूमि पर हुए अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। कहा बड़े शहर बन गए हैं झुग्गी बस्ती। 75 साल से जारी है दुखद कहानी। यूपी में 1,000 रुपए हुई निराश्रित महिला वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन। सीएम योगी बोले असंगठित श्रमिकों को 4 माह तक मिलेंगे 500 रुपए। अभिनेत्री आलिया भट्ट के खिलाफ एक्शन की तैयारी में BMC। होम क्वारंटीन नियम तोड़ ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन के लिए पहुंची दिल्ली। तमिलनाडु पुलिस ने किया फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। माइक्रोसॉफ्ट सेवा उपयोगकर्ताओं को बनाया ठगी का शिकार। गोवा के पूर्व मंत्री रोहन खाउंते आज भाजपा में होंगे शामिल। बीते दिनों ही मंत्रिमंडल से दिया था इस्तीफा। मिजोरम के चंफाई में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर 4.2 मापी गई तीव्रता। कोई हताहत नहीं। अखिलेश यादव आज रायबरेली में निकालेंगे विजय यात्रा। गुरु बख्श सुगंज में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। उत्तर भारत में गाजियाबाद को पाया गया सबसे प्रदूषित शहर। 56 शहरों की वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन के आंकड़ों से मिली जानकारी। कांग्रेस ने पंजाब चुनाव के लिए टिकट दावेदारों से मांगे आवेदन। सिद्धू बोले उम्मीदवारों के चयन के लिए योग्यता होगी महत्वपूर्ण मानदंड। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार की मंशा और नीतियों पर फिर उठाए सवाल। बोले MSP का बड़ा मुद्दा अब भी किसानों के सामने मौजूद। भारत यात्रा पर आएंगे मध्य एशिया के 5 विदेश मंत्री। 18 से 20 दिसंबर तक भारत मध्य एशिया डायलॉग में लेंगे हिस्सा। चिदंबरम ने लगाया कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा छिपाने का आरोप। बोले मोदी सरकार विनाशकारी, प्रधानमंत्री को सिर्फ हारने की चिंता। कर्नाटक से कांग्रेस विधायक आर रमेश कुमार की टिप्पणी पर बवाल। बोले जब पता है कि दुराचार होना है तो लेटो और मजे लो। विदेशी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म भारतीय डाटा को नहीं भेज पाएंगे विदेश। डाटा संरक्षण विधेयक की संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश। पाकिस्तान के संघीय राजस्व बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सब्बर जैदी ने किया खुलासा। बोले दिवालिया हो चुका है पाकिस्तान, देश सच्चाई को करे स्वीकार। अशोक गहलोत ने धर्म के नाम पर राजनीति को लेकर जताई चिंता। बोले लोकतंत्र में खतरनाक होती है जाति और धर्म की राजनीति। नागालैंड के मुख्यमंत्री ने ILP आवेदकों के लिए लॉन्च किया पोर्टल। बाहर से आकर अस्थायी रूप से रहने वालों को मिलेगी मदद। कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने राहुल गांधी को लेकर किया दावा। बोले केदारनाथ आपदा प्रभावितों के आंसू पोंछने वाले थे अकेले नेता। अस्पतालों में जल्द शुरू होगा नवजात शिशुओं का आधार पंजीकरण। जन्म पंजीयन के साथ गठबंधन करने की मुहिम में जुटा UIDAI।
आदर्श स्कूल के रूप में विकसित होंगे 15,000 सरकारी स्कूल। शिक्षा देने के लिए खिलौने और निजी संस्थानों की ली जाएगी मदद। नीतीश कुमार ने दरभंगा में जल्द एम्स का निर्माण शुरू होने का किया दावा, बोले एम्स के निर्माण के लिए सरकार ने उपलब्ध करवा दी है जमीन। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने लोक निजी संपत्ति नुकसान विधेयक को दी मंजूरी, अब अराजक तत्वों से होगी सरकारी नुकसान की भरपाई। सतीश पूनिया ने राजस्थान में बेरोजगारी के लिए गहलोत को बताया जिम्मेदार, बोले रिश्तेदार आयोग बन चुका है राजस्थान लोक सेवा आयोग। मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने की राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा, केरल विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर मिली थी हार। बुलंदशहर में 1971 के युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर मनाया गया विजय दिवस, डीएम चंद्र प्रकाश सिंह और पूर्व सैनिकों ने अमर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बिनौर की श्री कृष्णा फाउंडेशन ने लगाया डेंटल चेकअप कैंप, दानियाल हैदर ने ओमेक्स के बच्चों को बताए दांत की सुरक्षा के उपाय। बिजनौर में बाघ सुरक्षा माह को लेकर हुआ 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्वेट टाइगर रिजर्व के अधिकारियों और कर्मचारियों ने लिया हिस्सा। टीम इंडिया में चल रही तनातनी पर सौरभ गांगुली का बयान, कहा कोहली रोहित मामले को अपने तरीके से हैंडल कर लेगा बोर्ड। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गई भारतीय टीम की राह हुई आसान, स्टार बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक 2 टेस्ट मैच से हुए बाहर। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के 5 और खिलाड़ी हुए कोरोना पॉजिटिव, पाकिस्तान के साथ वनडे सीरीज जुलाई तक की गई स्थगित। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान का मुकाबला आज, सेमीफाइनल में जगह बनाने उतरेगी भारतीय हॉकी टीम। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।